अब उस जनानी को तुम संभालो। हेलो, हाँ फरहान बता। कितने बजे पिक करने हो? भाभी आ रही हैं तेरे साथ? ऑफ कोर्स मैम, कितने बजे आऊँ? यार ऐसा करना, 5 बजे पिक कर ले। ओके डन, बाय। कथे हो कथे कथे क्या है, क्या और के लांगो है? क्या मसला है तुम लोगों का, ये क्या कर रहे हो? डोंट टच मी। असि तेरी खिदमत वास्ते आए हैं, पतो को दिखे नहीं है कि तू कितना बड़ा बदमाश है? मुमताज हो जी, वो साहब पकड़ के छतरा और मारो। बेफिक्र हो जाओ, ठीक है। एक सेकंड, एक सेकंड, खड़े हो जाओ। हनुमान जी, हनुमान जी, ये क्या है, ये क्या बकवास है? साढ़े ते बड़े अरसे दी नजर सी मैडी, एक उदास हो, सप्लाई किधर किधर करता है? देखिए इंस्पेक्टर साहब, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि मैं एक शरीफ आदमी हूँ, आप मेरे साथ ज्यादती कर रहे हैं, और शरीफ आदमी खतरनाक होता है बदमाश से ज्यादा। ओए सर जी, किसान ऊंची जबान में बोलता है, ए, ना वो छुता तुझको। बस बोलो, बोलना क्यों नहीं? आप लोग मेरा बटवा वापस करें और ये सारी की सारी बकवास खत्म करें। ठीक है, मतलब जो कुछ होगा ना तेरे साथ उसके जिम्मेदार तुम खुद होगे। वो अब भी वक्त है, सच सच बता दे, ओए नहीं तो सवेरे जेल भिजवा दूंगा। ओके फाइन, भिजवा दें जेल, लेकिन इंस्पेक्टर साहब जिस दिन मैं जेल से वापस आऊंगा ना, आई एम गोना फिक्स यू। मैं आपको देख लूंगा, देखिएगा आप। ओके हनुमान जी, हनुमान ओ भेजिया जी सरकार। और तड़े को आज बड़ा राजी आ मैं। बो बो नौकर किसके? ओ देखो चा पिला। अखिलिया ओ भेजी हस्ते दूध पत्ती भेज। ओए ईमान हरी, 5 मिनट में निकलना है हमें। सिर्फ 2 मिनट। कोर्की का फोन बंद क्यों जा रहा है? नजर से बचाए बीबी, इतनी अच्छी लग रही है कि बस। सच कह रही है काका, आपकी कसम। अच्छा मैं जाऊंगी, नीचे मेहमान आने वाले होंगे ना बीबी? कितने मेहमान आएंगे? पता नहीं काकू, 5-7 लोग तो होंगे। सात बज रहे हैं, 5 बजे का टाइम था। परेशानी की बात तो है, फोन भी बंद है। तुम्हें इस घर का पता है जहां बारात लेकर जानी है? ओ, मैं खुद पता करके आता हूँ। कहाँ पता करोगे? वहीं जाम दोनों इकट्ठे रहते थे, बस मुझे 10 मिनट लगेंगे, मैं आता। पता नहीं क्या हो गया बीबी, 9:30 बज गए काकू, अब कोई नहीं आएगा। मास्टर जी जरूर किसी मुसीबत में फंस गए होंगे, वरना कोई ऐसे करता है?
काकू तुम किस मुसीबत की बात कर रही थी? हाँ जी, हो सकता है किसी ने कोई दुश्मनी की हो, है ना? नहीं, कोई दुश्मनी नहीं है काकू। सर जी गांव अपने मंगेतर से मिलने गए थे। आपके ख्याल में वहां कुछ हो गया? मुझे क्या पता काकू, मुझे नहीं पता। देखो रात बहुत हो गई है, जाओ दरवाजे बंद कर दो। दरवाजे बंद कर दूं? अब यहां कोई नहीं आने वाला, तू भी जा अपने कमरे में सो जा। क्या हुआ? मोहल्ले वाले कहते हैं उसे पुलिस पकड़ कर लेगी। थाने गया, उन्होंने इनकार कर दिया, किसी हॉस्पिटल में भी नहीं है। गया तो कहाँ गया वो? लेकिन उसे पुलिस क्यों पकड़ के ले गई? कह रहा था कि उसकी होने वाले बीवी का कोई झगड़ा चल रहा है अपने मरहूम शौहर के बेटों से। हो सकता है ये हुआ भी हो। हमें कुछ करना चाहिए फरहान। क्या कर सकते हैं? मैं बाबा से बात करूं? नो नो नो, मैं सुबह चैनल में किसी से बात करता हूँ। चलो चेंज कर लेते हैं। वो खिलिया जी सारो, वो इधर आओ। वही जी सारो, वो जेरा चंगी जी दूधपति। हाँ अच्छा अच्छा सारो, खाने दे पैसे मुड़ वो जेरा मुंशी को आखना। अच्छा जी अच्छा, ले भाई खान, ठीक हो गया, सब कुछ ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। ये मेहरबानी मैं हमेशा याद रखूंगा चौधरी साहब। मुड़ी सिज मेहरबानी वाली केड़ी गल है, समझ रहा ना खान तू? हाँ हाँ, ओ मैं समझ रहा हूँ। अब होगा क्या? होना क्या, मजिस्ट्रेट के सामने उसको पेश करेंगे, आज ही जेल भिजवा देंगे। इशारा चौधरी, वो मजिस्ट्रेट के सामने बोलेगा तो नहीं? ले मुड़के आखसी, और यही कहेगा ना कि मैं बेकसूर हूँ, मैं बेकसूर हूँ, तो सब ही कहते हैं। तू छोड़े साड़ा काम में। और फिर भी? और मुड़ छोड़ ना खान, मुकास जरा, सारा सिस्टम ही ऐसा है। और तुम्हें इतना वक्त मिल जाएगा कि तुम उस औरत को बेदखल कर सको। मैं जानता हूँ वो आखिरकार बेगुनाह साबित होगा, लेकिन हमें कानून की आड़ में बहुत सा वक्त मिल जाएगा। ओए खान, ओए इस जुर्म पर जितनी सजा होती है ना, उससे कई ज्यादा दिन वो जेल के अंदर रह लेगा। छोड़। वो चार ना वे।
आपने झूठ बोला था कल मुझसे, क्यों पकड़ा आपने उसे? और तुमको किसने बताया कि हमने पकड़ा था उसे? मैं इस चैनल के लिए काम करता हूँ, हमारे एक रिपोर्टर ने बताया मुझे। और ठीक है, पकड़ा था हमने, कल इसलिए नहीं बताया कि मामला जेरे तफ्तीश था। कौन सा मामला? खुफिया फरोशी की दफा लगी उस पर, शराब बेचता, और कौन सा मामला? सचो साहब, मैंने अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा इज्जत अपने वालिद साहब की है। अगर वो जिंदा होते और वो भी ये बात कहते ना, तो मैं माजरत कर लेता उनसे। मुर साहब जी, बरामदगी हुई है उसके घर से। आप चाहें तो अपनी मेज की दराज से तोप बरामद कर सकते, इसमें क्या बड़ी बात है? काम हो जुडिशियल रिमांड पर जेल भिजवा दिया हमने, चाहो तो दरखास्त दे सकते हो जमानत की। और ये जमानत कितने अरसे में होगी? साढ़ा कम ते थाने ती खत्म हो जाता है, ये तो अदालत ही दस सकती है। दूध पत्ती पीसो जी। नहीं शुक्रिया। साबुन की झंझट से छुड़ाओ जान, अपनाओ बोनस की शान। क्या बात है बोनस की? सिर्फ 10 रुपए में। तो अब क्या करोगे तुम? कल सुबह हम दरखास्त दे देंगे। सबसे पहले मैं एक और काम करना चाहता हूँ, शकीला से मिलना चाहता हूँ। एक ऐसे दुल्हन जैसे यकीनन अब तक ये भी नहीं मालूम होगा कि घोरकी है कहाँ। तुम तो कह रहे थे कि तुम उसके घर का भी नहीं पता। हाँ, लेकिन मैंने घोरकी को डॉक्टर बासित का एड्रेस दिया था जहाँ शकीला का इलाज हो रहा था, मे भी वहां से कुछ पता चल जाए। ये काम तो कल ही होगा, आज तो मुश्किल ही। लेट्स सी। सलाम जी। वालेकुम सलाम। फरहान नाम है जी मेरा। नाम सुना हुआ है जी आपका। अच्छा, वो शकीला भी कहाँ है? क्यों जी, सब खैर तो है ना? हाँ सब खैर। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। ये मास्टर जी के दोस्त है बीबी, कुछ बात करने आए हैं आपसे। तुम जाओ काको, मैं जानती हूँ ये क्या बात करने आए। आप जानती हैं मैं क्या कहने आया? जी, सर जी से कहना कि मुझे उनसे कोई गिला नहीं है, माफ कर देना, तो मेरी आदत बन गई है। पता नहीं आप क्या समझ रही हैं, वो बेचारा तो इस वक्त जेल में है। जेल में? उसने मुझे कल यहाँ आने के लिए कहा था, शाम 5 बजे मिलना था उसे मुझसे, उसके बाद से वो गायब है। मैं सारी रात तलाश करता रहा उसे, पता चला वो जेल में। पर आखिर क्यों जी? सर जी तो बहुत बीबे बंदे हैं जी। उस पर शराब बेचने का झूठा इल्जाम लगाया गया। सर जी पे? पर किसने? पता नहीं, वो बता रहा था आपका किसी से जायदाद वगैरह का झगड़ा चल रहा है। मैं समझ गई जी, मैं बिल्कुल समझ गई। फिर बैंक में ना जी, मेरे पास 21 लाख रुपए पड़े हुए हैं। यहाँ पैसा हाथ में हो तो इंसान क्या नहीं कर सकता। ठीक है, मैं कल उसकी जमानत की दरखास्त दे रहा हूँ। आप तकलीफ ना करें जी, मैं देख लूंगी। ठीक है, आप जो भी करें काइंडली मुझे जरूर इन्फॉर्म कर दीजिएगा। ये मेरा कार्ड है, इस पे मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है, आप रख लीजिए। इफ यू नीड इट एनी टाइम कॉल मी। ओके, अल्लाह हाफिज़। सुनिए जरा, ये एड्रेस बताइएगा। अभी ले, बहुत परेशान लग रहा है, इसका कुछ कर। है क्यों बहू, तो क्या किया तूने? कुछ नहीं यार, ऐसे ही सच का साथ देने की कोशिश की थी।
है इस पे कौन सी दफा लगती है बिले, ये कोई नया जुर्म है? अच्छा तुम लोग किस चक्कर में है? हमारा आना जाना तो लगा रहता बाबू, तू बता तेरी क्या स्टोरी है? तुम्हें क्या लगता है? ना तो चोर, ना डाकू, ना इश्तिहारी, और तू तो कुछ भी नहीं लगता यार। बता क्या किया तूने? वो कहीं गवर्नमेंट के खिलाफ कोई अखबार शखबार में तो लिख दिया? नहीं नहीं, ऐसे क्या होता है बिले? वही पिस्सू पड़ जाते हैं गवर्नमेंट को अपने खिलाफ बात सुनने से। अरे बाबू क्या चंचड़ाया तूने? छोड़ो यार, तुम लोग क्या करोगे जान के, दफा करो। अरे बाबू तुझे पता है तूने अभी यहां कितना अरसा गुजारना है? और इधर अंदर आपस में दुख सुख फूलने से टाइम चंगा गुजर जाता है बाबू। यार राइट यार, वो एक मजलूम औरत है, उस बेचारी की मदद करने की कोशिश की है मैंने बस। काम तो तूने मर्दों वाले किया बाबू, वही निकाल के ले जा रहा था उसे। नहीं नहीं यार, मेरी और उसकी शादी होने वाली थी जब ये पुलिस वाले जबरदस्ती उठा के मुझे यहाँ ले आए। वो शहजादी है किधर? अंदर है वो भी? पता नहीं यार, शायद अपने घर होगी। ओए बाऊ, ये बिल्ला भी इसी चक्कर में अंदर हुआ है, इस औरत से ज्यादा बेवफा चीज कोई है ही नहीं। ये बिल्ले से ज्यादा बेहतर कौन जानता होगा, क्यों बिल्ले? एक दफा बाहर चला जाऊं, नाक काट के तली पिना रखती हूं तो बिल्ला मेरा नाम नहीं है। अरे अरे नहीं भाई, क्या हो गया, ये जुल्म क्यों करना चाहते हो? क्यों करना चाहता हूं ये जुल्म? वो चंगी बली मेरे साथ आई थी घर से, उसके पिछड़ों ने जब पर्चा दर्ज करवाया तो अदालत में बयान से ही मुकर गई, और बयान दिया कि अगवा करके लाया मुझे। अब समझ आई? आई डू अंडरस्टैंड, लेकिन हो सकता है बीबी की कोई मजबूरी हो ना उस वक्त। मजबूरी थी ना, अगर मजबूरी थी तो मेरे यार से दिल लगाने की क्या जरूरत थी उसे? हैं भाई, मोहब्बत और दुश्मनी में हिसाब बराबर होना चाहिए बाऊ। खैर दफा कर, तू बता तेरा कुछ जमानती शमानती है? पता नहीं जमानती है कि नहीं। आई डोंट नो। ये ले बीबी। बीबी आपको तो तीसरी गली का नहीं पता, आप अदालत में किस कैसे लड़ोगी? तो फिर सड़ने दूं सर जी को जेल में? हाँ, पर हमें अदालतों कचहरियों का कुछ पता नहीं, फिर हम ये काम कैसे करेंगे? सवेरे टैक्सी मंगवाएंगे, उसमें कचहरी जाएंगे, किसी अच्छे से वकील से बात करेंगे, उसको फीस दे देंगे और बस। अब तू जा, तू भी मुझे तंग ना कर। हेलो ईमान, खैरियत है? बाबा बाबा फरहान अभी तक घर नहीं आया। घर नहीं आया तो उसे फोन करो। बाबा मैं उसे कब से फोन कर रही हूँ, मुसलसल फोन ऑफ जा रहा है। तो फिर उसे ऑफिस के नंबर पे फोन करो। वहाँ भी किया था, वो लोग तो कह रहे कि आज आया ही नहीं। ऑफिस गया ही नहीं? जी बाबा। बाबा मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं कोई ऐसी वैसी बात तो नहीं हो गई। क्या ऐसी वैसी बात हो सकती बेटा, हमको वाली बात मत करो। बाबा मैं एक बार शहर के हॉस्पिटल्स में चक्कर लगा लूं। तुम कहाँ घूमती फिरोगी, मैं आता हूं।
घबराना मत, मैं आता हूं। साहब किधर गए हैं इस वक्त? वो जी ईमान बीबी की तरफ गए हैं जी। इस वक्त क्यों? पता नहीं जी, वो चौकीदार छुट्टी पर है ना जी, तो मुझे कहने लगे कि उनकी वापसी तक दरवाजा बंद ना करूं। इस वक्त क्या तो कह जाने का? मौला खुश रखे, बाप बेटी है जी, तुर्क वाली क्या बात है। मैं मां नहीं हूं, दफा हो जाए यहां से। मुझे अकेला करने की कोशिश कर रहे हैं ये दोनों। हाँ यही बात है, ईमान ने इस वक्त अनवर को बुलाया है, यकीनन कोई बात ही होगी। अनवर ने मुझे बताया क्यों नहीं? बाबा बाबा मैंने उसे हर जगह ट्राई किया है, उसके फ्रेंड्स में जो जो नंबर मेरे पास थे मैंने हर जगह फोन किया है, उसका फोन भी कब से ऑफ जा रहा है। तुम लोगों की लड़ाई वगैरह तो नहीं हुई? नहीं बाबा, और बाबा अगर ऐसा हो भी जाए तो फरहान ऐसा आदमी नहीं है। हेलो मिसेस फरहान, तुम्हारा खावन हमारे कब्जे में है और उसकी जिंदगी की एक कीमत है जो तुम्हें बाद में बता दी जाएगी। हेलो आप मेरी बात तो सुने। हेलो हेलो बेटा किसका फोन था? बाबा बाबा ये लोग कह रहे कि फरहान हमारे पास है और उसकी एक कीमत है जो हम बाद में बताएंगे। मामा क्यों? Everything is all right. Don't worry. तकलीफ तो नहीं है ना? क्यों लाया तुम लोग मुझे? बताया नहीं तुम्हें किसी ने? पेशा हमारा, लोगों को पैसे की खातिर अगवा करते हैं, दावान लेकर छोड़ देते हैं। सही आदमी पकड़ा फिर तुमने, मिलेंगे पैसे फिर। ओ भाई एक टका नहीं है मेरे पास तुम्हें देने के लिए, क्या हो गए? यूं ही नहीं उठा लिया करते किसी को, पूरी मालूमात होती है हमारे पास। क्या मालूमात है मेरे बारे में? जरनिगार प्राइवेट के दामाद हो, मुल्क के अमीर तरीन लोगों में शुमार होता है उनका, होता है ना? भाई अगर तुम्हारा ये ख्याल है कि वो लोग मुझे छुड़ाने के लिए तुम्हें पैसे देंगे तो ये तुम्हारी भूल है, कुछ नहीं देंगे वो। सब यही कहते हैं, वहां से पैसा कैसे निकालना ये सोचना हमारा काम है। तुम ये बताओ कि तुम्हें किसी चीज की जरूरत तो नहीं? मुझे बीवी से बात कर। नहीं करा सकते तुम्हारी बात उससे, वैसे तुम्हारी बीवी से मेरी बात हो चुकी है, तुम्हारी खैरियत कितना उसे बतानी है। थोड़ी देर में खाना आ जाएगा, खाओ जब तक जिंदा हो, ऐश करो। जिंदा क्या मतलब? मतलब ये कि पैसा ना मिलने की सूरत में हम तुम्हें मार देंगे, सिंपल। तुम लोगों का दिमाग तो नहीं खराब हो गया क्या? मेरे ख्याल बात समझ में आ गई तुम्हें, चलता हूँ फिर आऊंगा। तैयार कर रहा है, हम आज ही फाइल कर देंगे। तो जमानत आज ही हो जाएगी जी? नहीं नहीं, हमें तारीख समाप्त लेनी पड़ेगी उसके बाद। तो कितना टाइम लगेगा जी? हमारी तो कोशिश होगी जितना जल्द हो सके ये जमानत करवा सके। तो फिर हम चलें जी। श्योर।
तुम्हें यकीन है स्टोरी पर? स्टोरी? हाँ, आई कुड सी इट कमिंग। मैं तुम्हारे इस क्रैप का मतलब नहीं समझा। तुम्हारा दामाद और हमारी जिद्दी बेटी का शौहर ड्रामा कर रहे हैं सिर्फ माल मटोरने के लिए, सिंपल एज दैट। तुम्हारा वाकई दिमाग खराब हो गया, यू आर अ सिक वुमन। शुक्र करो कि किसी का तो दिमाग दुरुस्त है इस घर में। मैं शुरू दिन से जानती थी कि वो माल मटोरने को शादी करे इस अहमक लड़की से, और वही हुआ। तुम ये जालमाना बयान किस बुनियाद पे दे रही हो? ऐसी बात कहने को सिर्फ एक ही बुनियाद काफी है, वो तबका जिससे उसका ताल्लुक है। मेरा ताल्लुक भी ऐसे तबके से था, लेकिन मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा। अगर मैं चाहता तो प्लीज अनवर माजी को डिस्कस मत करो, वो जैसा था गुजर गया। तुम नहीं सोचते कि वो बीवी के साथ हम दोनों को बेवकूफ बना रहा है? बिल्कुल नहीं, मुझे अब यकीन हो गया कि तुम्हारा दिमाग अपनी जगह पे नहीं है। तुम एक ऐसी औरत का दिमाग चैलेंज कर रहे हो जिसने अपना बिजनेस यहां तक पहुंचाया? आई कैन बिलीव यू, वेरी सैड। देखो, होना तो ये चाहिए था कि इस मुसीबत की घड़ी में तुम अपनी बेटी का हाथ थामती बजाय इसके कि उसने मेरा हाथ छोड़ा है, मैं उसका हाथ क्यों थामूं? तुम उससे बदला ले रही हो कि उसने अपनी मर्जी की शादी क्यों की। तुमने ईमान का कमरा साफ किया? हाँ जी, वो तो रोजाना ही करता हूँ जी, आपका हुक्म जो है। तुम ईमान का कमरा रोजाना क्यों साफ कराती हो? इसलिए कि वो उसका कमरा है और एक दिन उसने वापस जरूर आना है। वो कभी वापस नहीं आएगी। ओह रियली? वो जमानत करवा रही है उसकी? ना, तुम तो कहते थे कि बड़ा पक्का हाथ डाला है, हैं? ओ सरफराज खान, मुझे वो उस छोर की कुछ लगती है, ये ते को भी पता है, मैं को भी पता है, पर कुछ ना कुछ तो कर रहा नहीं उसने। ओहो, फिर फायदा क्या हुआ? वो बाहर आएगा, उससे शादी कर लेगा, हैं? तो ऐश करेगा मेरी बाप की दौलत पर। सरफराज खान, और तू दाखिया सी जो रस्ते से हटाना बंदे को, मैं बंदे मरवाने का काम नहीं करता। वो कानूनी हथियार इस्तेमाल करके अंदर करा दिया है, अब खुद संभाल ले रहा। थानेदारा, तू समझता क्यों नहीं है? को मैं चाहता था कि वो औरत भी साथ अंदर हो जाती तो मैं सब कुछ संभाल लेता। वो कैसे संभाल लेते सरफराज खान? हो को गल पता करने वाली, वो अच्छी ट्रक है, उसके कारोबार में हिस्सा है, वो दौलत है उसके पास, वो इसके लिए कानूनी लड़ाई लड़नी होगी। जड़ी तू हार वैसे। ओए, मुझे तुम्हारे मशवरे नहीं, मदद की जरूरत है यारा। मसलन देख, अब मैं चाहता था कि तुम उन दोनों पर कोई ऐसा मुद्दा डालो वो 4-6 महीने से पहले बाहर ना आ सकें, फिर मैं इस तरह उसके ट्रक भी काबू कर लेता और उसके हिस्से का बंदोबस्त भी कर लेता। ओए हाँ, वो सारे दफ्तर वाले मेरे साथ हैं, फिर वो जेल से बाहर आके मेरा कुछ नहीं कर सकती थी। हाँ सरफराज खान, मुड़ो मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता, जबकि वो उस छोर की पैरवी भी कर रही हो। मुड़ इस वक्त कुछ करने का मतलब है खुद को बसाना। वो इसका मतलब है कि मुझे खुद ही कुछ करना पड़ेगा, हैं? खाना, जो कुछ कर सकते हो करो, पर मेडा ना ना आए। हाँ वो वेखो थानेदारा, वो यरा मैं बहु मजबूर हूं, यार कुछ करना। और हाँ, पैसे की परवाह मत करना। वो देख, अगर उसने उस कमीने के साथ शादी कर ली तो कितनी बदनामी वाली बात होगी हमारे लिए। मड़ बदनामी शदनामी छोड़ खानो, सीधी गले कि तुम्हारे बाप की दौलत पर किसी और का कब्जा होगा तो दुख होगा तुम्हें, ये गले ना है। बैवेंच बैंज खानू करने या कुछ। असल महंगाई भी बहु थी गई है। ओ खीलिया, ओ घुट पानी चा पिला। हमें इस बात से कोई मतलब नहीं कि तुम्हारी सास से तुम्हारे कैसे तालुकात हैं।
हमें तो उस पैसे से मतलब है जिसकी डिमांड हमने उनके सामने रख दी। भाई मैं तुम्हें 50 बार बता चुका हूं तुम्हें तावान में कुछ नहीं मिलने वाला। तुम्हारे मशवरे का बहुत बहुत शुक्रिया। दूसरी सूरत में हम तुम्हारे साथ क्या करेंगे मैं तुम्हें कई बार बता चुका हूं। तुम मेरी जान क्यों लेना चाहते हो क्या मिलेगा तुम्हें? उसूल है हमारा। तावान मिलने के बाद तुम्हें हम बाइज्जत तौर पर घर पहुंचा देंगे और अगर ना मिला तो ऊपर पहुंचा देंगे। हेलो, तुमने तो कहा था रात में फोन करूंगा। हाँ मुझे खुशी है कि तुमने पुलिस को बताने की हिमाकत नहीं की। वो ठीक तो है? हाँ ठीक है। तुम बताते क्यों नहीं? तुम लोग चाहते क्या हो? हमने तय कर लिया है तुम हमारे लिए 1 करोड़ रुपए का बंदोबस्त करो। रकम कैसे और कहाँ पहुँचानी है इसके लिए तुम्हें बाद में फोन करूंगा। 1 करोड़? हाँ 1 करोड़। मैं जानता हूँ कि ये रकम तुम जैसों के लिए कोई बड़ी रकम नहीं है। देखो शादी के बाद मेरा अपनी फैमिली से कोई ताल्लुक नहीं है। झूठ मत बोलो। तुम्हारा बाप कल भी तुमसे मिलने आया था। तुमने बता दिया उसे हमारे बारे में? हाँ मैंने बता दिया। मैं कुछ अब हमारी डिमांड भी उसे बता दो और सुनो पुलिस को बताने की हिमाकत ना करना वरना अगला फोन उस जगह के बारे में होगा जहाँ तुम्हारे शौहर की लाश मिलेगी। सुनो सुनो खुदा के लिए। हेलो हेलो मुझे उम्मीद है 2-4 दिन में उसकी जमानत जरूर हो जाएगी। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी जी। अरे दीदी इसमें मेहरबानी वाली कौन सी बात है ये तो हमारा काम है। वकील साहब आप बहुत ही नेक और अच्छे इंसान है जी। मुझे एक और मशवरा देंगे जी आप? हाँ क्यों नहीं। कुछ ऐसा करें जी कुछ ऐसा बताएं कि वो सरफराज मुझे तंग करना छोड़ दे जी। इसके लिए आप अलहदा से अदालत से रुजू कर सकती हैं और अदालत पुलिस को हिदायत कर सकती है। पुलिस सरफराज के साथ मिली हुई है जी अगर ऐसा ना होता तो वो सर जी को जेल क्यों भिजवा देते? अदालत की हिदायत के बाद ऐसा नहीं होगा। बहरहाल इस किस्से को निमटने दें फिर हम देखते हैं। ठीक है जी। बेटा 1 करोड़ रुपया तो बहुत बड़ी रकम होती है। मैं तो ज्यादा से ज्यादा 15-20 लाख रुपए इकट्ठा कर सकता हूं। तो फिर क्या होगा बाबा? नहीं हमारे पास एक रास्ता है। अगर तुम्हारी माँ चाहे ना तो 1 करोड़ की जगह 10 करोड़ भी दे सकती है। लेकिन वो समझ रही है कि फरहान हमसे पैसे बटोरने के लिए सारा ड्रामा कर रहा है। ड्रामा? मैंने उससे बात की थी तुम चाहो तो तुम भी बात कर लो हो सकता है वो मान जाए। वो दे देंगे क्या? लेट्स होप फॉर द बेस्ट बेटा। जल्द रहा हो जाओगे? जल्द रहा हो जाऊंगा? कैसे? बातचीत चल रही है उनसे। वो मान गए? डिमांड रखते हैं उनके सामने। तो फिर कैसे रहा हो जाऊंगा यार? दामाद हो कोई तो कीमत होगी तुम्हारी वरना। वरना पता है यार क्या करोगे तुम? मार दोगे मुझे? आदमी ज़हीन हो।
اس واسطے دعا بندوبست کرنا پیسی. دوجا بندوبست؟ کون سا دوجا بندوبست؟ مڑو میرا مسئلہ ہے، 50,000 لکسن بول منظور ہے. پر مجھے بھی تو پتا چلے نا. یار سرفراز خان ہوں، اس عورت نے بڑا تگڑا وکیل کیا ہے، ضمانت کے کاغذات بھی مکمل کر لیے اور طریق بھی لے لی ہے. پھر کیا، زیادہ تو زیادہ دو پیش ہے تو بندہ بار، تو پھر ویاہ ہو جاسی. تو کسی بندوبست کی بات کر رہا تھا یار. پر اس واسطے تو دا خود ہمت کرنی پیسی سرفراز خان. یار تیری یہ گل میری سمجھ سے باہر ہے، تو کیا کہنا چاہتا ہے؟ او میں نے گل کی نہیں، تے تو دا سمجھ کس طرح آوے ہوئے. اے تو بڑا نکرا ہے. Honey.